शुक्रिया हमारे सूरीनाम के हर एक जनता और तमाम सुनने वालों, जहां तक ये आवाज पहुंच रहे हैं सब लोग को मेरा प्यार पहुंचे। भाइयों बहनों, जैसे आप लोग को पता है तो आज एक नेशनल फेसडाग है। एक नेशनल फेसडाग सूरीनाम में हर तरह के लोग रहते हैं और यही कारण है कि सूरीनाम की सरकार सभी जनताओं को जो इस देश में रहते हैं, काम करते हैं, मेहनत करता है, जीवन भी यानी कि बसर करता है, उन तमाम लोगों की मांग पूरी करता है। जैसे आप लोग को पता है तो इन जुली को हम लोग मनाते हैं स्लफरनेई अफ्सखाफिंग। इन जुली को स्लफरनेई अफ्सखाफिंग मनाए जाते हैं सूरीनाम में और वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वो दिन भी एक नेशनल फेसडाग होता है। वो खास करके इन जुली जो स्लफरनेई साउथ अफ्रीका से यहां पर आए हुए थे लोग, यहां पर गुलामी की और जब गुलामी का खत्म हुआ, स्लफरनेई जो अफ्सखाफ हुआ, वो दिन के लिए इन जुली के लिए 18 एक नेशनल त्योहार हुआ है, यानी कि 18 की बात है। 18 जी हां भाइयों बहनों, डाक्टर मारोन ये मुकर्रर भी हुआ और ये भी उसी जात लोग के लिए, हमारा मारोन जात लोग हम कहते हैं जो का परिवार, उन लोगों के लिए 3 अक्टूबर एक अहम दिन है, डाक्टर मारोन। और ये दिन के लिए हमारा देश का प्रेसिडेंट जेसी बाउतर्स उन परिवार लोग को भी मान मर्यादा इज्जत अफजाई पेश करते हैं, सब लोग को तकमा दिया जाते हैं और सब लोग को या ज्यादा लोग को भी डेकोरेट किया जाता है मारोन परिवार के लोग के लिए। और ऐसे कर करके बड़े बड़े लोग को भी मिलता है, जैसे असम लीडर आंद्रे मिसिकाबा, आगे चल करके सैमुअल इमैनुअल सोन, मारिया देविनी, एक्स मिनिस्टर मार्टिन मिसिजान, पॉलस असोइटी, ऐसे ऐसे करके झूका परिवार के लोग को मान मर्यादा भी दी जाती है। इस दिन के लिए मैंने बताए हैं कि काफी भीड़ में ये उत्सव को मनाए जाते हैं और ये नाच गाना ज्यादा तौर पर। इन्होंने आज जहां पर वानिका स्ट्राट और खराफन स्ट्राट है, वहां इन लोगों का एक मोन्यूमेंट भी है। वहां पर आज सुबह ये लोग फूल वगैरह कंस वगैरह रखे हुए हैं और फिर जाकर के कैथेड्रल, यानी कि कैथेड्रल में भी इन लोगों का परिवचन हुआ है और ज्यादा भी जाकर के पार्लियामेंट में। बेरेलांत में जैसे हमें पता चला है, ये जुका परिवार ये उत्सव आज बड़ी धूमधाम से मनाए हुए हैं, जहां पर तरह तरह के लोग पारामारिबो से गए हैं, मिनिस्टर्स गए हैं, मिनिस्टर जिले खासी गया है इस उत्सव में भाग लेने के लिए जो बेरेलांत में इस वक्त हो रहा है। प्यारे लोग, यह है 10 अक्टूबर के मामला। सूरीनाम के प्रेसिडेंट जेसी बाउतर्स अपने प्रेसिडेंशियल पैलेस में कल कुछ लोग को अम्बेसडर के दर्जा दिया है। अम्बेसडर के दर्जा जैसे शांताल एल्सन होट अम्बेसडर फॉर द कारिकॉम, इनका स्थान प्लाट है सूरीनाम। तरवेल पार्टी शेम सिखलिन बर्लसोन, ये भी एक समय मिनिस्टर थी सिखलिन बर्लसोन, और मार्सियानो आर्मा केटो। पार्टीशन सिखलिन बर्लसोन और मार्सियानो आर्मा केटो, ये लोग चीना, बेल्जियम, कुबा के एम्बेसडर बने हुआ है। भाई बहनों, पार्टीशन सिखलिन बर्लसोन ए मार्सियानो आर्मा केटो,
Armaqueto, Cuba que es, Sigrid Björnsson, Belgia, o Patty Sheng, China Muluk que lie, yani ambasador banum kiya gaya hai. Hamare desh ki janta Indonesia, Nicaragua, Venezuela, Guyana, aur kuch Europese en Afrikaanse continent, wahan par bhi kuch nayi ambassadeur banum hone ko ja raha hai. Log ne hamesha bhaiya ye sab baat sun sun karke un log ko dil mein dukh paida ho jate hain कि ये सब मुल्कों के लिए सरकार एंबेसडर बनूं करना चाहता है, लेकिन जिस मुल्क से हम लोग को बड़का संबंध है, संबंध भी था, संबंध भी हो सकता है, और जहां पर श्रीनाम के प्यारे लोग, ज्यादा परिवार लोग रहता है, श्रीनाम के तमाम आधा श्रीनाम के जनता नीदरलैंड में, और नीदरलैंड में अभी तक कोई एम्बेसडर बनूम नहीं हो पाया है. इस मामला के लिए सभी लोग सोच रहा है, कोई न कोई दिन, कोई न कोई तारीख, कोई न कोई समय, वहां पर तो भी एक एम्बेसडर को होना चाहिए. लेकिन अभी तक सूरीनाम की सरकार नीदरलैंड के लिए ये बात नहीं सोचा है, अन फैसला ली है. हमारे भैया लोग, ये तो एम्बेसडर की बात है, और जैसे आप लोग को पता है, सिपाही एक जबरदस्त समस्या को उंधसुक कर रहा है. नवंबर महीना 2017 पर एक ट्रेन आंध इंदिरा गांधी वेख, वहां पर सिपाही और ऐसे या सिपाही वहां पर छाप मारी, मतलब कि एक आदमी ने जो सामान को इंपोर्टेट करके और कोई तरीका से ये ट्रेन इंदिरा गांधी वेख वहां ये सामान को पहुंचाया, वहां सामान ले जाकर के रखा. वहां पर था 62 एमर्स फन एलक ओंखे 20 किलो, 62 एमर्स फन एलक ओंखे 20 किलो. ये वो चीज है जिसके बारे में हम बात करना चाहूंगा. उसका नाम है केतामी, केतामीन HCL, केतामीन HCL, एक बरका परते के बात है. ये वहां से जब बसलाख में लिया गया तो इसको ला करके इकोनॉमी से कंट्रोल दीज ऐसे दी, वहां पर आकर के जमा किया गया. बसलाख के ये सामान था 62 एमर्स, यहां पर आकर के ये बसलाख के सामान जो मैंने कहा आपसे, ये बसलाख लिया गया था और फिर ट्रेन एंड इंदिरा गांधी वेग वहां पर 62 बल्टी, हर एक बल्टी में 20 किलो था, ये ला करके ऐसे दी, वहां पर ये रखा गया. क्योंकि ये जो इंपोर्टेट किया गया था तो एक नकली नाम से, फॉल्स नाम से, और ये चीज मंगाने के लिए इंपोर्टर को ऑनथेफिंग की मांग करना पड़ता है. ऑनथेफिंग दिस ऑनथेफिंग फॉर एस्ट इन 484 ऑफ द फीस एंड कंट्रोल का. लेकिन यह सामान जो इंदिरा गांधी वेख में लाया गया, इसका फर्क ही नहीं था और ना ऑनथेफिंग था. दिस इंपोर्टर हैड गेन ऑनथेफिंग En uit de documenten bleek dat het spul onder een andere naam was geïmporteerd. Matlab ki ek dusra naam rakh karke isko andar laya gaya. Jaise ki
असली चीज है केटामिन HCl, और ये शायद एक दूसरा नाम रख करके मान लिया जाए कि डीजल वगैरह या कुछ और ऐसे लीक करके ऐसे अंदर लाया गया है। जब ये पता चला कि यह परतई केटामिन HCl है तो इकोनॉमी से कंट्रोल दीज उस पर बसलाख किया, और उस समय था ट्वीन जेस्टक बल्टी। भाइयों बहनों, ये हाफन से ये सब चीज लापता हो चुका है, यानी गायब हो गया है, वहां से चला गया है, पता नहीं कि कहां ये गया है, के दे करके गया है। और इस मामला में पुलिस ने कुछ लोग को गिरफ्तार किया है। हमारे भैया लोग, इस केटामी जो वहां से लापता है इस वक्त, ट्वेन सेसेक एमर्स, और अब पता नहीं है कि ये कहां है ये सब चीज, और वहां के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये बात अब आगे आगे सुख होगा, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं और ये कब से ये मामला हो रहा है हाफन पर। भैया जी, सूरीनाम के जनता, मैंने कल आपको ये संदेशा दिया, और वो संदेशा जो आप तक मैंने पहुंचाया वो था एक मिनिस्टर, एक तुर्क से मिनिस्टर फॉर वेल्टलैंड से साक, जिस मिनिस्टर सूरीनाम में आकर के और जहां पर 8 दिसंबर मामला के समस्या जो चल रहा है वहां पर ये क्रंस रख कर गया है, मिनिस्टर मेफ्लुट इसका नाम है, ये तुर्क से मिनिस्टर है, मतलब वो जगह पर जहां पर स्टेफ्टिंग 8 दिसंबर ट्वीन तख्त क्रंस नहीं रखता है उस जगह पर ये जाकर के रखा, और इसलिए स्टेफ्टिंग 8 दिसंबर ट्वीन तख्त एक चिट्ठी तुर्क से रखेरिंग एक शिकायत की चिट्ठी भेजी से, और कहा कि तुर्क से मिनिस्टर जो बेल्टलैंड से साकर सूरीनाम में आकर के जिसका नाम मेफ्लुट, और सूरीनाम का मिनिस्टर पोला बीगल के साथ मिलकर के नेशनल फर्जूनिंग्स मोन्यूमेंट एंड वाटर कांट वहां पर क्रंस रखा हुआ है। आप जानते हैं कि सेक्टर 8 दिसंबर ट्वीन तख्त ये नेशनल फर्जूनिंग्स मोन्यूमेंट को इनकार क्या कर रहा है, यानी उनको एक्सेप्टेयर नहीं करता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये कोर्ट कचहरी हो रहा है, इस कोर्ट कचहरी में रेक्टर को फैसला देना है, ये लोग फर्सूनिंग की बात नहीं करता है, ये लोग फैसला के बाद के इंतजार करता है। और ये मिनिस्टर सूरीनाम के मिनिस्टर के साथ नेशनल फर्सूनिंग मोन्यूमेंट वहां क्रंस रखने के लिए गया फर्सूनिंग के बाद, लेकिन जो इस ऑर्गेनाइजेशन के अगुवाकार लोग हैं भैया सुनील उमराव सिंह, ये लोग चाहते हैं कि इसे कोर्ट के शुरुआत हो चुका है, ये कोर्ट का रेक्टर को इस मामला में फैसला देना चाहिए। एट फर्सूनिंग्स मोन्यूमेंट स्टार्ट फोकस स्टेफ्टिंग फोर्सिटर सुनील उमराव सिंह फॉर द मर्डर हेट फ्रॉम द सूरीनाम से समर लिविंग फॉर स्ट्रफलोस है। और बोले क्रांस रखने से तुर्क से मिनिस्टर इसका ससावार के हकदार है। हमारे देश के जनता, इसलिए 8 दिसंबर ट्वीन तख्त के स्टेफ्टिंग एक शिकायत चिट्ठी तुर्क से रखेरिंग को भेजा हुआ है, इस मामला से ये लोग सहमत नहीं है।
कि मिनिस्टर यहां पर आकर के और वो जाकर के वो जगह पर क्रॉस रखा फर्शुनिंग्स मोरीमैन जो 8 दिसंबर स्टेक्टिव उसको स्वीकार नहीं करता है। जब प्रदेश से संदेशा मिला भाइयों बहनों, प्रदेश से संदेशा जब आया, वो संदेशा तो आप जानते हैं कि फे यहां पे का असेंबली लेट श्रीमान शैलेंद्र गिरिजा सिंह देहांत हुआ नीदरलैंड में। आपको शायद पता होगा प्यारे लोग, एक महीना लगभग वो प्रदेश में था अपने परिवार के साथ और इनका उपराज्य भी हुआ नीदरलैंड में, स्वार उपराज्य इन नीदरलैंड। उपराज्य ठीक था उस समय तक, लेकिन बाद में कुछ ये मामला गड़बड़ा गया जिसे पता चला और इनका मृत्यु हो गई है। आप जानते हैं गिरिजा सिंह को मैं इनका निवासी और वहां पर इनका भी एक और खानिशासी भी है जो जनता को भी सेवा करता था, सुशाल काम के लिए बात हम कर रहे हैं। हमारे भाइयों, ये फेरकोस सूरीनाम का मालिक भी था, डायरेक्टर फॉर इम्पोर्ट बदरेव फेरकोस सूरीनाम। श्रीमान शैलेंद्र गिरिजा सिंह सीफरन 20 अगस्त 1956 निकेरी में इनका जन्म हुआ। सीफरन 20 अगस्त 1956 निकेरी में इनका जन्म हुआ। इनका पत्नी का नाम आइरिस, इनका दो बेटियां है चांदनी और नंदनी। ये आने वाले शुक्रवार को स्किप हॉल पर ये आखिरी अवसर लेगा शैलेंद्र गिरिजा सिंह का। लाश वहीं पर लाया गया है मर्तुआरी में। अवसर देने के बाद शनिचर को ये लाश सूरीनाम में लाया जाता है और कहां कब ये अंत्येष्टि क्रिया होगा या दाह संस्कार, वो आप रेडियो के द्वारा आप लोग सुनते रहना। भैया जी, पता चला है कि जो स्टोकस एफर पर एक फ्रांसमान के पास कुछ कोकाइन था और एक सिपाही ने उन्हें बसलाख में ले लिया था। बाद में ये फ्रांसमान और सिपाही आ गया बीच में, ये लोग ने इसके सिलसिले में धंधा करने लगा और बातचीत करने से बिजनेस हुआ। और बिजनेस के मतलब ये कि फ्रांसमान को चाहिए पैसा देने के लिए उनको ये ड्रग्स वापस दे दिया जाएगा। ऐसे हुआ भी, दो सिपाही गिरफ्तार हुआ है, पहले एक सिपाही, अब पता चला कि इस मामला में एक सिपाही और गिरफ्तार हुआ है, क्योंकि ये दोनों ने फ्रांसमान से पैसा लेकर के वो ड्रग्स उन्हें वापस दे दिया था। एनपीएस का फोर्स एटर श्रीमान ग्रेगरी रुसलांट, एनपीएस का फोर्स एटर ग्रेगरी रुसलांट, ये बड़ी अफसोस करता है कि बगल में एनपीएस परतेई सेंट्रम के बगल में, गुरुंजारी के बगल में एक रेस्टोरेंट है जहां पर मिलिटर उसको बवा करता है, मैट स्टार्ट्स वापन्स। ये बात ग्रेगरी रुसलान कहता है। सूरीनाम के तमाम जनता, नेशनल पार्टी सूरीनाम का फोर्सेटर ग्रेगरी रुसलान ने कहा
कि बगल में एक रेस्टोरेंट है, गुरुंजारी के बगल में रेस्टोरेंट है, वहां मिलिटर वहां बवाक यानी मिलिटर वहां बवाकिंग के है, उनका जुम्मा है, और ऊपर से सरकार के वापंस के साथ, और सरकार के वापंस वहां पर गोली भी चलाया गया है, गेजदाख आफोंट वहां पर गोली चलाया गया। इस बात से ये बड़ी हैरान है। रूसलैंड का कहना है कि नेशनल पार्टी के ट्रेन पर जो झंडा है, फ्लैग फ्लैग की बात हम करते हैं, अभी कुछ दिन पहले उस झंडा में किसी ने आग भी लगा दिया है। जिस नेशनल पार्टी के ट्रेन पर, गुरुंजारी ट्रेन पर जो झंडा उड़ता है, उसमें कोई आग लगा दिया कुछ दिन पहले। अब मंगल के रात्रि को वहां गोली भी चलाया गया है, और अब पता चला कि बगल में एक रेस्टोरेंट है, मिलिटर बवाक करता है, स्टार्च सूरीनाम के वापस लेकर के। ये जानना चाहते हैं कि वहां कौन ऐसा रेस्टोरेंट है और उसका मालिक के है। ये बहुत गड़बड़ बात है भैया। ये सब बात के लिए प्रकृत सिंह राव को ये बात और निशुक करना चाहिए। हमारे भैया लोग, अभी मैंने कहा आप लोग से, एक तो यहां पर शैलेंद्र गिरिजा सिंह की मृत्यु हुई न्यूजीलैंड में, लेकिन सूरीनाम में एक दूसरा यहां पर राजन प्रहलाद सिंह की मृत्यु हुई, जो फेहापी का पुराना पेनिंग मिनिस्टर था, फेहापी का पुराना पेनिंग मिनिस्टर था, उनका भी मृत्यु हुई है। इन दोनों का दाह संस्कार या अंत्येष्टि क्रिया के बारे में अभी कुछ पता नहीं है। हमारे देश में प्यारे लोग, महान महान विद्वान लोग का मृत्यु हुई है, जो बहुत से काम किए हैं देश के अंदर में, देश के अंदर में रह करके ये लोग ने बहुत कुछ किया है, समाज के लिए, देश के लिए, जनता के लिए और लोगों के लिए। इन तमाम विद्वानों के बीच में आप शायद एक नाम सुने होंगे, मिस्टर एल एफ रामदत्त मिसिर के बारे में। ये रेक्टर के बाद हफ का प्रेसिडेंट और फिर सूरीनाम मुलुक का वार्नेमन प्रेसिडेंट भी था, देश सूरीनाम का प्रेसिडेंट मिस्टर एल एफ रामदत्त मिसिर। बहुत बड़ा इंसान था और अच्छा दिल के इंसान। भाई बहनों, जो ये 8 दिसंबर प्रोसेस का शुरुआत हुआ और फिर आगे चल करके एक दो रेक्टर चल जाने पर जब फिर रेक्टर आया, तो उसमें से एक था मिस्टर क्रिस पुल्टू। मिस्टर क्रिस पुल्टू एक विद्वान इंसान, जो 8 दिसंबर प्रोसेस बहुत दिनों तक चलवाया, मुकदमा वगैरह वगैरह, उनका भी मृत्यु हो गई है। और आप जानते हैं कि इसी मुकदमा में जो ऑडिटर मिलिटर था, ऑडिटर मिलिटर मोहम्मद जॉन मोहम्मद आमीन, मिस्टर जॉन मोहम्मद आमीन, वो भी वफात हुआ। आप जानते हैं कि देश में तरह तरह के रेक्टर भी था, हिंदुस्तानियों के भाई है जैसे आप जानते हैं, उसमें शामी सर मिस्टर आलबर्ट राम निवास, इनका भी मृत्यु हुई। मैं विद्वानों के बारे में बात कर रहा हूं, डॉक्टर सुग्रीव उमराव सिंह, प्रोफेसर बाल उमराव सिंह, ये न सिर्फ प्रोफेसर लेकिन कुछ जमाना तक भी फेहापेई का पंचघर का नेता, वन लेट फ्रॉम द स्टार्ट फ्रॉम सूरीनाम। प्रोफेसर बाल उमराव सिंह लेट फ्रॉम जो हम लोग का पुराना स्टार्ट फ्रॉम
सूरीनाम था, उसका लित ये था, पेहा पेहा था, बाल ब्रोसिन। भाई बहनों, आप शायद नाम सुने होंगे मिस्टर प्रदुमन चांदीशाह। मिस्टर प्रदुमन चांदीशाह एक बहुत चलाक वकील, श्रीनाम में जब वो कांतों में आया करते थे तो सब लोग शांत हो जाया करता था। मिस्टर प्रदुमन चांदीशाह एक विद्वान इंसान था श्रीनाम में, जो कुछ साल भी आक्षी ग्रुप का फोर्सेटर था। आक्षी ग्रुप एक पॉलिटिक पार्टी और चांदीशाह यूपी पैनल के साथ रखेरे भी बनाया था और कुछ साल तक यूपी पैनल के साथ राज्य की मिस्टर प्रदुमन चांदीशाह फ्रैक्सी लीडर आक्षी ग्रुप। इस आदमी के साथ साथ एक नौजवान भी काम करता था जो उसके बाद ये भी वकील हुआ, मिस्टर जॉन बाबूराम। मिस्टर जॉन बाबूराम ये चांदीशाह का असिस्टेंट था और धीरे धीरे ये पढ़ने के बाद वकील हुआ। और इस आदमी के बारे में तो आप जानते हैं कि 8 दिसंबर 1983 में इनका भी मृत्यु हुई, इनका कत्ल किया गया, इसे बताया जा रहा है। एक आदमी के बारे में जिक्र करूंगा जो कमिश्नरियात के लिए, कमिश्नर्स लोग के लिए और सब लोग के लिए बहुत से काम किए, मिस्टर बसारत अहमद अली साहब जी। मिस्टर बसारत अहमद अली ये जितना कमिश्नरियात है सही, सभी कमिश्नरियात को सही तरीका से काम करने के लिए तरीका सिखाया और बहुत से कमिश्नर्स को वो बखरेजिंग के साथ वो दर्जा दिलवाया। मिस्टर बसारत अहमद अली ये भी वफात हुआ है। एक डॉक्टर था, मशहूर डॉक्टर जो निकेरी में इनका काफी नाम भी था, एक अच्छा इंसान भी था, लोगों को मदद किया करते थे। रिश्ता में हमारा मामू जान भी था, डॉक्टर अलविन मुंगरा, वो भी देहांत हुआ। उसका छोटा भाई आटा मुंगरा, जिसके साथ कितने कारोबार देश में हुआ, बेफिदेई तैयार हुआ और बेफिदेई एक समय रखेरे में भी था। उस समय जब दो ब्रोकी बना सूरीनाम में, एक ब्रोकी को पनाम रिफीर और एक ब्रोकी सूरीनाम रिफीर, ये जब आता मुंगरा दिलीप सरजो ये सब बेफिदेई में था। एक बहुत बड़ा विद्वान इंसान भी जो कुछ साल तक भी नीदरलैंड में खफल मख्तस मिनिस्टर था, सूरीनाम में वकील था, सूरीनाम में कौंसिल ऑफ उज़्बेकिस्तान का होस्ट रहा और आर्य प्रतिनिधि सभा सूरीनाम और खास तौर पर भी महात्मा गांधी विशेष का अगवाकार था। मिस्टर हरिप्रसाद मुंगरा जी, उनका भी मृत्यु हुई। हम एक डॉक्टर के बारे में जिक्र करूंगा, एक इज्जतदार बड़ी साधारण इंसान था। इस आदमी से सब लोग बातचीत कर सकते थे जिस समय लोग चाहते थे। एक अच्छा परिवार के लंग से था, एक मजहबी इंसान था, हर एक समय नमाज में, तकरीर में और हर जगह पर ये हाजिर हुआ करते थे। डॉक्टर खलील गफूर खान के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे जनता इसे इसे करके सूरीनाम में
कितनी विद्वान लोग आया और विद्वान लोग प्रभु का प्यारा हुआ। जैसे एक अच्छा दोस्त हमारा प्रोफेसर फ्रिट्ज मित्रा सिंह, प्रोफेसर फ्रिट्ज मित्रा सिंह ये बहुत साल तक भी मिनिस्टर था, ऑन्द्रवेश था, ऑन्द्रवेश का मिनिस्टर था। प्यारे लोग हम बात करने जा रहा हूं मिस्टर डॉक्टर डॉक्टर आंदेश काजी, कितनी बार डॉक्टर आंदेश यनधीन के बारे में, यनधीन मिनिस्टर फॉर जस्टिसियम पुलिसी, क्योंकि उसका लाइक ये था। पुलिसी हानफेस ने यही तैयार किया और ये भी यूनिवर्सिटी में दुष्यंत था। यनधीन काफी नाम कमाया देश सूरीनाम में और बहुत लोगों को भी यानी दर्जा या तरक्की करने पर दिया। इनका भाई एक रहा हेरमन अधीन इंजीनियर, वो भी मिनिस्टर जमाना था लेकिन एक विद्वान इंसान था हेरमन अधीन जी। प्यारे लोग निकेरी का एक नौजवान जो नई दिल्ली में पढ़ने के बाद सूरीनाम में वापस आया और उस समय निकेरी ओपनबार वर्क का डायरेक्टर था, लेकिन सन 1980 के बाद जब इस देश में कुप आया तो उस समय उस नौजवान को जरूरी पड़ा और उन्हें बुला करके उन्हें मिनिस्टर के दर्जा दिया गया, मिनिस्टर फॉर ओपनबार वर्क इंजीनियर नासर अताउल्ला। हमारे प्यारे लोग वो इंसान जो कितनी साल तक असेंबली के कुर्सी का सभापति था, जब ये निकेरी में इनका जन्म हुआ और ये शहर आकर के और यहां पर तरक्की की, वो तरक्की की कि ये आदमी अपने जिंदगी में अठोकात के बाद मिनिस्टर का दर्जा इन्हें दिया गया और असेंबली का सभापति कितनी सालों तक था। और जो मुस्लिम हिंदू पार्टी या फ्रांस पार्टी को एक पार्टी बनाया गया तो वो पार्टी था हिंदुस्तान से पार्टी, उसके बाद में कई मरतबा इस नाम को बदला गया, आज फॉर्मेंस पार्टी इनका सभापति रखा गया श्री जगन्नाथ लक्ष्मण जी। विद्वान इंसान नई जला से जाकर के इनका मृत्यु हुई। प्यारे लोग निकेरी का एक नौजवान पढ़ने के बाद वो जो वापस आया सूरीनाम में, हम बात करते डॉक्टर रामर मिश्र के बारे में, निकेरी के इंसान था, इन्हें बुला करके और यहां पर उनका मिनिस्टर के दर्जा दिया गया, मिनिस्टर फॉर एलफीफी। हमारे भाइयों एक डॉक्टर ने और ये मिस्टर ने बड़ी नाम कमाया जो एलपीई ने खड़ा किया और कितने अफजल इंफोसिसों तेज में लाया, वो था डॉक्टर श्री मिसीर के बारे में बात करने जा रहा हूं। डॉक्टर श्री मिसीर, हम अपने देश के तमाम विद्वान लोग को नाम ऐसे मैं लेता रहूंगा और ये कम नहीं होगा, क्योंकि विद्वान बहुत था सूरीनाम में, इतना विद्वान पढ़े लिख और ये लोग अच्छे काम भी किया सूरीनाम के अंदर में रह करके। भाइयों बहनों, हम यही बात पूछना चाहेंगे आपसे, हर एक चीज के लिए इंसान तैयार रहता है लेकिन कौन और खानिसात सी, कौन और खानिसात सी इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए जैसे आज प्यारे लोग जैसे आज एक महान प्रोग्राम हो रहा है मरुण परिवार लोग
अपने लोग को याद करते हैं और प्रेसिडेंट बहुतर से लोग को डेकोरेट करता है। हम पूछना चाहते हैं कि जितनी नाम मैंने लिया है इन लोगों के लिए कौन कभी खड़े होकर के कहा कि हाँ हम लोग 5 साल के बाद में इन लोगों के